हेलो दोस्तों, चाची की रसोई में आपका दोबारा से स्वागत है। जैसा कि मेरा तो एक ही बात माननी है कि मैं आपको फटाफट टेस्टी और डिलीशियस और हेल्दी रेसिपीज कैसे बता पाऊँ, यही मेरा मकसद है। तो आज मैं बताऊंगी मटरा की चाट। मटरा तो बहुत प्रोटीनियस होती है, जैसा कि आपको पता है। हमने इन मटरा को पहले हमने एक गिलास मटरा ली थी, उसको सारी रात भिगोया था और सुबह को इसके अंदर और चार ग्लास पानी मिलाकर हमने थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। जब हमारे कुकर में एक सीटी आ जाए तो हमेशा हमें फ्लेम को हल्का कर देना चाहिए। अगर हम फ्लेम को हल्का कर देते हैं तो चाहे छोले हो या मटरा हो या कोई भी साबुत दाल हो, राजमा वगैरह, बहुत जल्दी गल जाते हैं। देखो हमारे मटरा गल के कितने अच्छे तैयार हैं। इसी तरीके से हमने मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल का को बहुत ही आसान है बनाना। मूंग की दाल को हमने इसको धोया और मुश्किल से इसको 15 मिनट भिगो के रख दिया था और बाद में ऐसे ही खुले बर्तन में भिगोने में इसको नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के उबाला और देखो हमारी मूंग की दाल कितनी खिल के तैयार है। इसके बाद अब इसके अंदर मटरा के की चाट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं उसको चटपटा डिलीशियस बनाने के लिए, यह मैं आपको दिखाती। मटरा की चाट बनाने में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिए उबले हुए आलू, उनके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। फिर हमने लिया है अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और लिया है खीरा। इन सबको मटरा में इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट पैदा करते हैं वो है खट्टी चटनी और मीठी चटनी। खट्टे और मीठे का स्वाद आएगा और साथ में हम इस्तेमाल करते हैं उबली हुई मूंग की दाल। इन सबको मिलाकर अगर हम मटरा की चाट बनाएंगे तो उसका स्वाद सबसे अलग हटके होगा। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि चाट कैसे तैयार करी जाती है। हमने सबसे पहले मटरा ली। मटर हमेशा इस तरीके से ही उबली हुई होनी चाहिए, इससे अगर हम कम उबालेंगे तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी मूंग की दाल हम इसमें डालेंगे। मूंग की दाल के बिना इसका टेस्ट अधूरा है। फिर उसके बाद इसमें खीरा, ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से भी हम डाल सकते हैं। किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद होते। और थोड़ी सी डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक भी अपने ही स्वाद के हिसाब से डालना है। और इसमें डालेंगे उसे हरी मिर्च और अब डालेंगे हम खट्टी चटनी। खट्टी चटनी के बाद डालेंगे मीठी सौंठ और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला चाट का जो हमने घर में ही तैयार किया है। नींबू डालने के बाद हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारी चाट तैयार है। अब ये मटरा की चाट गर्मा गर्म कुलचों के साथ खाने के लिए तैयार है। इसी तरह की झटपट और टेस्टी हेल्दी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।